हे गाइस, दिस इज़ अभिषेक रावत एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो एक बिल्कुल ही खास होने वाली है। ये एक प्रोडक्ट का रिव्यू है एंड वी कैन से दैट वी विल कुक इट एंड वी विल हैव इट एंड आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लेन द रिव्यू ऑन इट। सो मैं आपको बता दूँ कि क्या चीज़ है। आपने अगर थंबनेल में देख लिया हो तो आप समझ ही गए होंगे। ये मैं 3X का जो स्पाइसी नूडल है कोरियन, ये आज मैं ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस देखी हैं और सब बता रहे हैं कि ये काफ़ी स्पाइसी है। क्या मैं इसे खा पाऊँगा क्या नहीं खा पाऊँगा ये तो बाद में पता चलेगा, बट मैं उससे पहले एक चीज़ आपको कंफर्म कर दूँ। अगर मैं इसको खा पाया तो वेल एंड गुड है, और मैं नहीं खा पाया तो मैं स्किप कर दूँगा क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी की वजह से कुछ भी हो सकता है। सो प्लीज़ मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा अगर मुझे ज़्यादा स्पाइसी लगा तो। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि एक 2X आता है, एक 3X आता है। तो मेरे 3X लाने का बेसिकली रीज़न ये था कि 3X से पता चल जाएगा कि मतलब हैवीएस्ट खाएंगे तो पता चलेगा ना कि हाँ स्पाइसेस सबसे स्पाइसेस कौन सा है। भाई 3X है तो हम वो खाएंगे। इससे ऊपर भी अगर है तो वो शॉप में शायद अवेलेबल नहीं होंगे या मेरी नॉलेज में नहीं है। तो अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ इससे ऊपर भी है स्पाइसेस। तो मैं आपको बता दूँगी कोरियन कंपनी है और जो इसकी MRP है वो है 150, ठीक है 150 MRP है। और मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि ये जो हॉट चिकन फ्लेवर है तो ये चिकन फ्लेवर का है, ये वेजिटेरियन नहीं है, इसमें चिकन फ्लेवर है। तो जो वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं मेरे वो इसको अवॉइड करें अगर वो नॉनवेज नहीं खाते। तो मैं नॉनवेज खाता हूँ बेसिकली, तो मैं इसको ट्राई करने वाला हूँ। तो इससे पहले कि मैं इसे ट्राई करूँ, इसको पहले बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। इसको कुछ नहीं करना है, इसको बॉयल करना है और उसके बाद इसमें जो इसका अंदर जो भी मसाला या इंग्रेडिएंट होता है वो इसमें मिक्स करके इसको हैबिट करना है। तो फ्रेंड फाइनली ये बन चुका है और इस पैकेट के अंदर एक फ्लेक्स का उन्होंने पैकेट दिया है और सेकंड दिया है ये सोप का। मेरे ख्याल से यही है इस चीज़ की जान, ये इस चीज़ की जान लग रही है मुझे कि मतलब कसम से अब ख़त्म ही ना कर दे ये शरीर को, बहुत ज़्यादा स्पाइसी लग रही है मुझे। इसमें सोया सॉस जैसी स्मेल आ रही है एंड देन फ्लेक्स मिलाने का टाइम आ गया है। भाई बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे अपना, मतलब पहला मकबैंग टाइप का है मेरा, ये मकबैंग ही समझ लो इसे। तो फर्स्ट मकबैंग मेरा और वो भी इतने खतरनाक खाने के साथ है कि पूछो मत। ये देखिए डर सा लग रहा है मुझे बहुत। मतलब खा के तो मेरा क्या ही होगा, इसकी स्मेल से ही मुझे मिर्च लग रही है और एसी का टेम्परेचर मैंने फुल करा हुआ है ताकि मुझे पसीना ना आए। तो फाइनली ये ऐसी है बनने के बाद। देखिए चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ये वीडियो, लेके ऊपर वाले का नाम।
मुंह पे लगते ही एकदम से हिट मार रहा है। मैंने अभी तक इसके 2 बाइट खाए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आधा दर्जन से ज़्यादा लाल मिर्च खा चुका हूँ। गाइस ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, अगर आप इसको ट्राई करने आते हो तो एक बाइट बहुत है। ये जहां जहां लग रहा है वहां वहां मिर्च का स्वाद छोड़ दे रहा है अपना। आप देख सकते हो स्वेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। ये मतलब इतना स्पाइसी है कि मिर्च के अलावा इसमें कुछ नहीं है। और मैं अभी 15-20 मिनट से वॉक कर रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैंने डिसाइड करा है कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। और जिन फ्रेंड्स ने मेरे को ये चैलेंज दिया था सॉरी फॉर दैट, नेक्स्ट चैलेंज के लिए मैं रेडी रहूँगा। बड़े इतना स्पाइसी है कि मैं बोल भी नहीं पा रहा, कि मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा आप लोगों के आगे, ठीक है। और मैं भी स्वेट साफ़ करके आया लेकिन दोबारा आके देखो गाइस बहुत स्पाइसी है। सो अगर आप स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते तो बिल्कुल भी इसको मत लेना, क्योंकि मैंने इसके हार्डली 3 या 4 बाइट ली है, आप देख सकते हैं बाकी ये रहा। और अभी मेरे बस की नहीं है खाना, सो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। और रिव्यू में बोलूँगा कि वाकई में बहुत स्पाइसी है ये, और कोरियन कंपनी स्पाइसेस में नंबर 1 है। और ये बना भी अच्छे नूडल्स रही है, टेस्टी है, बट स्पाइस इतने हैं कि मिर्च इतनी है कि वो जो टेस्टपन है वो मुंह में ढंग से आ नहीं पा रहा, और मेरी ये साइड में काफ़ी जलन हो रही है। सो मैं यही कहना चाहूँगा सॉरी फॉर दैट, इसको स्किप कर रहा हूँ। कोई फेक वीडियो नहीं है कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैं पूरा खा गया हूँ, मैं साफ बोल रहा हूँ मैं नहीं खा पा रहा इसको और मैं इसको वापिस रखने जा रहा हूँ। सो फाइनली गाइज ये था मेरा 3x चैलेंज कोरियन नूडल्स का, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नई चीज़ दिखाऊंगा और डेफिनेटली वो अच्छा होगा। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज स्टार्टिंग फेज है यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। आपको यूट्यूब की एल्गोरिदम तो पता ही है, लाइक करोगे तो अच्छा रहेगा, प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। माई नेम इज़ आई एम अभिषेक रावत, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।